मान लीजिए सऊदी अरब में मैं हूँ और वहाँ पे नमाज के टाइम हमें फुर्सत मिल जाता है, यानी छुट्टी हो जाती है, तो वहाँ अगर मैं नमाज न पढ़ूँ और फिर मान लीजिए कोई यहाँ दूसरी जगह है जहाँ उसको फुर्सत नहीं मिलती है, थोड़ा व्यस्त रहता है तो जमात से नहीं पढ़ पाता है, तो दोनों के हुक्म में क्या फर्क है, क्या हुक्म क्या आप होगा? देखिए, आप कहीं पर भी हो, सऊदीया में हो, हिंदुस्तान में हो, कहीं पर भी हो, जब नमाज का टाइम हो जाए और आप ऐसी जगह पर हैं जहां से मस्जिद जाया जा सकता है, मस्जिद करीब है और उस मस्जिद के अंदर जमात के साथ नमाज होती है, तो आपके लिए जमात के साथ नमाज पढ़ना ये वाजिब है, इल्ला ये कि आपके पास कोई काबिले कबूल उज्र हो, जैसे आप बीमार हैं, घर से नहीं निकल सकते, तब ये अलग मसला हो गया। तो अगर आपके पास कोई उज्र नहीं है तो आपको जमात में जाना है, और ये उज्र नहीं है कि मैं काम कर रहा हूं, ये उज्र नहीं है कि मैं काम कर रहा हूं, काम को छोड़ करके नमाज पढ़ने जाना। नहीं, मेरा जो पूछना था वो ये था कि एक आदमी टाइम पता है, इस्लामी अगर राष्ट्र है तो वहाँ उसको सहूलत है, दूसरी जगह सहूलत नहीं है, तो दोनों में कोई मतलब गुनाह में कोई फर्क होगा, ये पूछना था। भाई देखिए, जो मैं बताया मैंने उसूल, उसकी बुनियाद पर आप फैसला देखिए, जहां पे उसको फुर्सत मिल रहा है तो वहां पे तो बात और ज्यादा क्लियर है कि उसको उसकी दुकान बंद की जा रही है, उसका जो मालिक है दुकान इसीलिए बंद कर रहा है कि भाई जाओ नमाज पढ़ने, अब वो नहीं जा रहा है तो बहुत बड़ा मुजरिम है। बहुत सारे लोग हमने देखा है, आप बहुत सारे उम्माल जो होते हैं जब वो काम से उनको फुर्सत मिली, अजान हुई तो दुकानें बंद हो जाती हैं, अब वो जाकर के अपने कमरे में सो जाएंगे, तो वो बहुत बड़ा मुजरिम है वो आदमी, उसको भाई नमाज पढ़ने के लिए उसके मालिक ने छुट्टी दिया है, अब वो जाकर के सो रहा है, मुजरिम है। हिंदुस्तान में कोई है किसी ऑफिस में काम करता है, अब वो कहता है कि मैं काम कर रहा हूं, मैं नमाज पढ़ने कैसे जाऊं, या मेरी ऑफिस वाले मुझे नमाज पढ़ने नहीं जाने दे रहे हैं, तो यहां पर हम ये देखेंगे कि क्या वो आदमी का उस ऑफिस के अंदर काम करना या मजबूरी है, जो वो ऑफिस जो आपको नमाज पढ़ने से रोक रही है, क्या वहां पर काम करना आपकी मजबूरी है, और जाहिर है बेशतर हालात में मजबूरी नहीं होती है, तो आप ऐसी जगह पर काम ना करें, और अगर आपकी मजबूरी है, कोई रास्ता नहीं है आपके पास, तो आप नमाज को मोखर कर लें, जमा भी कर सकते हैं, बहुत सारे उलमा ने जमा की इजाजत दी है, मोखर करने की इजाजत दी है, लेकिन ये सिर्फ बहालते मजबूरी, जैसे आप मान लीजिए कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अब जाहिर है कॉलेज में तो टाइम टेबल आपके नमाज के हिसाब से नहीं बनता है, जो सरकारी कॉलेजेस होते हैं या प्राइवेट कॉलेजेस जो इस्लामी कॉलेजेस नहीं है, तो टाइम टेबल जो होता है लेक्चर्स का वो आपकी नमाज के हिसाब से नहीं बनेगा, अब वहां पे और तकरीबन सारे कॉलेजेस आप हिंदुस्तान में कहीं भी जाए हर जगह आपको यही मसला पेश आएगा, तो अब या तो आप पढ़ाई ही ना करें, पढ़ाई छोड़ दें, तो हम आपको ये नहीं कहेंगे आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, अगर आप मजबूरी है कोई ऐसा कॉलेज नहीं मिल रहा है या और आप क्लास छोड़ के जा भी नहीं सकते हैं, तो आप जमा बैन सलातैन कर लिया कीजिए, यहाँ पे आपको रुख्सत है, लेकिन फकत ये कहना कि मैं काम कर रहा हूं, अब अगर ये कहा जाए कि काम करना उज्र है, तो बहुत सारे लोग जिनका अपना भी बिजनेस है कहें कि भाई मैं तो मशगूल हूं, मैं धंधा कर रहा हूं, अब पैसे छोड़ के जाऊं कस्टमर जो है आएगा, नहीं, सिर्फ मजबूरी की हालत में आप जमात तमात छोड़ सकते हैं, बाकी हालात में नहीं। दूसरा एक सवाल है, अरे आसिम जी मुझे देर हो रहा है, दूसरा एक सवाल है, आवाज आ रही है? जी एक दूसरा सवाल है, एक आदमी नमाज पढ़ रहा है तो उसका अरकान उरकान सब सही है, 2 मिनट में वो पढ़ रहा है 2 रकात, और एक आदमी उसी 2 रकात को और अच्छे अंदाज से पढ़ रहा है, 6 मिनट में पढ़ रहा है, तो दोनों के सवाब में कोई फर्क होगा? बिल्कुल फर्क होगा, देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जवाब से पहले एक दूसरी बात जो बहुत जरूरी है जानना, कि नमाज के अंदर इत्मीनान, नमाज के अंदर इत्मीनान ये रुकन है, इत्मीनान का मतलब क्या, जैसे आप रुकू में गए तो आप रुकू में ऐसा नहीं कि जैसे कौवा चोंच मारता है यूं गए और यूं उठे, इत्मीनान यानी रुकू में आप जाए तो आप मुकम्मल तौर से रुकू में ठहर जाए और फिर रुकू की जो दुआ है कम से कम एक बार वो दुआ पढ़े, इसको इत्मीनान कहते हैं,
ये इत्मीनान वाजिब है और इत्मीनान मुस्ताब है कि और आप लंबा करें। इसी तरह सजदे के अंदर, सजदे में आप देखेंगे बहुत सारे लोग सही से उनका उनकी पेशानी जमीन पर पड़ने नहीं पाती कि नमाज के अंदर इत्मीनान ये रुकन है, और रुकन का मतलब ये है कि अगर वो नहीं पाया गया तो आपकी नमाज नहीं होगी। और इत्मीनान का मतलब क्या है, इत्मीनान का जो कम से कम दर्जा है वो ये है कि नमाज की जो हालतें हैं, खड़े होने की हालत हो या रुकू की हालत हो, सजदे की हालत हो, बैठने की हालत हो, उस हालत के अंदर आप मुस्तकिल तौर से उस रुकन के अंदर पहुंच जाए। जैसे आप रुकू कर रहे हैं तो रुकू करने के बाद जो आपकी जाहिर आप जब झुकते हैं तो आपकी जो हड्डियां हैं मुड़ती हैं, अब वो मतलब मुस्तकिल हो जाए अपनी जगह पर, और आप कम से कम एक बार रुकू की दुआ पढ़ लें। इसी तरह सजदे में भी अगर कोई इत्मीनान से ये अरकान अदा नहीं कर रहा है तो उसकी नमाज नहीं होगी, लेकिन अगर इत्मीनान का जो कम से कमतर दर्जा है वो भी पाया गया तो आपकी नमाज हो जाएगी, ये एक बात। दूसरी बात ये है कि नमाज के अंदर जिस कदर खुशू ज्यादा होगा, जिस कदर इत्मीनान ज्यादा होगा, उसी कदर आपका अजर व सवाब ज्यादा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इन रजुला लयनसरफु मिन सलातिही वमा कुतिबा लहू इल्ला उजरुहा, या इस तरह के अल्फाज है कि एक आदमी नमाज पढ़ के लौटता है इस हालत में कि उसे उसकी नमाज का 1/10 मिलता है, दूसरे आदमी को 1/9 मिलता है। इसी तरह गिनाते गिनाते आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे कि बाज ऐसे है जिनको आधा मिलता है। तो यानी लोगों के नमाज के अंदर खुशू और इत्मीनान की बुनियाद पर उनकी नमाजों का अजर व सवाब कम ज्यादा होता है। तो नमाज तो आपकी सही हो जाएगी अगर अरकान और शुरूत के साथ आपने नमाज अदा किया है तो नमाज हो जाएगी, लेकिन जिस कदर खुशू और लिल्लाहियत ये सारी चीजें ज्यादा पाई जाएंगी आपकी नमाज का अजर व सवाब आपको ज्यादा मिलेगा। आपका सवाल ये है कि एक इमाम है जो ज्यादा इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ता है, एक दूसरा इमाम है जो थोड़ा सा जल्दबाजी करता है, अगर उसकी जो जल्दबाजी है वो जल्दबाजी ऐसी है कि उसमें इत्मीनान नहीं है तब तो उसके पीछे आप नमाज पढ़िए ही नहीं, लेकिन अगर उसमें इत्मीनान है, उतना इत्मीनान जो कम से कम वाजिब है, तो आप उसके साथ नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आदमी, जो इमाम ज्यादा खुशू ज्यादा इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ता है उसको इमाम बनाना अपना ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत के साथ कहा कि नमाजों में खुशू और अरकान और शुरूत की मुकम्मल अदायगी की वजह से नमाज का अजर व सवाब कम ज्यादा होता है। जी शेख, शुक्रन, जज़ाकअल्लाह खैर। अच्छा, एक सवाल उसी से जुड़ा हुआ था, मैं कमेंट में था तो मैं उसको ले रहा हूँ कि अगर मस्जिद अहले हदीस दूर हो, बरेलवी मस्जिद नजदीक हो, तो क्या घर में पढ़ सकते हैं नमाज? नहीं, आज की सूरत में अगर कोई कहे कि ये बरेलवी मस्जिद ऐसी है, इसमें थोड़ी सी तफसील करनी पड़ेगी आपको। जैसे बहुत सारे बरेलवी मस्जिद है, हकीकत ये है घर से वो थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सारे बरेलवी मस्जिद ऐसे है कि आप वहाँ नमाज पढ़ने जाएंगे और लोगों को अगर पता चला कि अहले हदीस है, ये सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ता है, तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो अगर ये सूरत हाल है तब तो हम कहेंगे कि आप वहाँ मत जाइए। कई दफ़ा कई मस्जिदों के बारे में वाकया सुनने में आते हैं कि बड़ी परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं, मारपीट, गाली गलौज और इन सब चीज़ों की नौबत आ जाती है। तो अगर ऐसी मस्जिद है तो आप मत जाए, लेकिन अगर ऐसी मस्जिद है जो कि शहरों में कई दफ़ा होता है कि चाहे कोई देवबंद मस्जिद हो, बरेली मस्जिद हो, हर मस्जिद में हर आदमी को नमाज पढ़ने की इजाजत होती है, अगर कोई ऐसी मस्जिद है तो आप जाकर के उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बरेली है, मुब्तदे है, तो उसके पीछे आपकी नमाज नहीं होगी, मुब्तदे के पीछे भी आपकी नमाज हो जाएगी। आप घर में नमाज ना पढ़ें, जाकर के आप जमात के साथ नमाज पढ़ें। हाँ, अगर आपको मालूम है कि जो नमाज के अरकान है वो अरकान अदा नहीं किए जाते हैं वहां पे, तब मैं कहूंगा कि अब आप उनके पीछे नमाज मत पढ़ने जाइए, क्योंकि वो अरकान की अदायगी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो अकल्ले दर्जा है अरकान और शुरूत की अदायगी का, अगर वो वहां पाया जाता है तो आप उनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, बल्कि आपको जमात के साथ ही पढ़ना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले हदीसों का, सलफियों का की पहचान है कि वो किसी भी जमात की तकफीर नहीं करते, कि वो काफिर है उसके पीछे नमाज ना पढ़ो।
ये चीज दूसरों की अलामत है तकफीर करना। हम कहते हैं कि अगर हमें आप अपने पीछे नमाज पढ़ने दोगे, भाई हमने तो कई दफा बरेलियों को, देवबंदियों को हमने इमामत के लिए आगे बढ़ाया ताकि कम से कम जो है एक रवादारी का और एक उल्फत का माहौल पैदा हो, इख्तलाफात और दूरियां जो है वो कम हो। तो बहरहाल आपको नमाज पढ़ना है, चाहे वो मुब्तदे ही क्यों ना हो, अगर नमाज के जो अरकान और शुरूत हैं उन पर उसकी नमाज पूरी मुकम्मल उतर रही है तो आपको नमाज पढ़ना है। और इस बात का भी ख्याल रखें कि कोई ऐसी मस्जिद ना हो जहाँ पे कोई फितना खड़ा हो जाए, अगर ऐसी कोई बात है तो फिर आप घर के अंदर पढ़ लें। और अगर मस्जिद करीब है वहाँ आप जा सकते हैं अलहदीज मस्जिद, तो आप उस मस्जिद के अंदर जाइए, अगर बहुत दूर है तो मसला अलग है।